आज जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों के साथ मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान 16 कुंतल कालाबाजारी व वितरण में अनियमितता के कारण दुकान जनवरी 2020 से सस्पेंड चल रही है, जिसमें हम ग्रामवासियों को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर राशन लेने जाना पड़ता है, जिसके कारण हम ग्रामवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग राशन भी लेने नहीं जा पाते हैं। हम ग्रामवासी कोटे को निरस्त करने के संबंध में जिला अधिकारी व खाद्य रसद उपायुक्त व जिला पूर्ति अधिकारी को बार बार प्रार्थना पत्र व धरना प्रदर्शन के बावजूद भी दुकान को निरस्त नहीं किया गया, जिसके बाद हम ग्रामवासी 30 सितंबर 2020 को जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि यदि हमारे ग्राम सभा की दुकान को 5/10/2020 तक निरस्त नहीं किया गया तो हम सभी ग्रामवासी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। इसी कड़ी में आज से हम सभी ग्रामवासी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। संवाददाता अमित खैरवाल की रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मनोज विश्वकर्मा है। ग्राम कोठरा, थाना अरावला, तहसील बुढ़नपुर। आज आप बैठे हैं जिला मुख्यालय पे धरने पे, किन मांगों को लेके आप बैठे हैं? आज करीब हमारी दुकान जो है सरकारी सस्ते गली दुकान करीब 9 महीने से सस्पेंड चल रही है, जिसके बाद हम लोग काफ़ी बार प्रार्थना पत्र भी दिए और धरना प्रदर्शन भी किए निरस्त करने के संबंध में, पर आज तक दुकान निरस्त नहीं की गई। दुकान किसकी थी? दुकान महेंद्र यादव की थी, जो कि 16 कुंटल काला बाजारी भी किए, उसके बाद वितरण में अनियमितता भी पाई गई और तब से हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे। 30/9/20 को हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए थे कि यदि हम लोगों कोटे की दुकान निरस्त नहीं की जाती है तो 6 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो कि आज से हम लोग बैठे हैं। जब तक हम लोगों की दुकान निरस्त नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। क्या मांगे हैं आपके? कोटा निरस्त करने की मांग। कोटा निरस्त हो, नया चयन किया जाए। इसके खिलाफ आप शिकायत कहाँ कहाँ किए हैं? हम खाद्य रसद उपायुक्त के यहाँ किए हैं, डीएम साहब के यहाँ किए हैं और यहाँ डीएसओ साहब के यहाँ किए, उसके बाद प्रधान मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी किए, पर कहीं से कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हो रही है। गरीब जनता है, बार बार दौड़ रही है पर कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम लोग यही फैसला किए, जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी, कोटे की दुकान निरस्त नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ से भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे।